गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट मैथ्स, नोइंग आवर नंबर्स। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लाख 10 लाख तक सीख चुके हैं। अभी हमारा आएगा करोड़, 10 करोड़ तक के नंबर। तो वो कितने डिजिट के होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये नंबर एक मैंने लिखा है, 9 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 डिजिट का नंबर है तो ये हमें हर नंबर की अगर प्लेस वैल्यू पता होगी तो हम इसका नंबर नेम इजीली लिख पाएंगे। जैसे कि हमको पता है लास्ट नंबर की प्लेस वैल्यू होती है वंस, उसके बाद टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, तो ये मैंने सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखी है। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमें पता चल सकता है कि हम इसका क्या प्रोनाउंसिएशन करें, क्या इसका नाम है, इसको कैसे बोले। तो ये 10 करोड़ का है। ओके, तो 14 करोड़ 89 लाख 67,432 इसका नंबर नेम हुआ, 14 करोड़ 89 लाख 67,432। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये टोटल नंबर हमारा हुआ कितने डिजिट का, 9 डिजिट। ये खास याद रखना, ये हुआ 9 डिजिट का नंबर होता है 10 करोड़ तक का। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 46 करोड़ 81 लाख 36,945। तो इससे पहले मैं आपको एक इजी वे बता दूं ताकि आपको पता चले कि कितने नंबर का वो जो नंबर होता है। तो आप लाख से शुरू करोगे, 10 लाख से, देखो एक नंबर का हो तो उसको वंस, ये है डिजिट्स, ये है डिजिट्स। 1 डिजिट, 2 डिजिट का हो तो टेंस, 3 डिजिट हो तो 100, 4 डिजिट है तो 1000, 5 डिजिट 10,000, 6 डिजिट है तो लाख, 7 डिजिट 10 लाख, 8 डिजिट करोड़ एंड 9 डिजिट 10 करोड़। ये अगर हमें याद है तो हम कोई भी नंबर का नंबर नेम इजीली लिख सकते हैं। 1 डिजिट है तो वंस, वो तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में केजी में पढ़ चुके हैं। 2 डिजिट का नंबर हो तो टेंस, 3 डिजिट नंबर हो तो 100, 4 डिजिट है तो 1000, 5 डिजिट है तो 10,000, 6 डिजिट है तो लाख, 7 डिजिट है तो 10 लाख, 8 डिजिट है
है तो करोड़ और 9 डिजिट है तो 10 करोड़। ये अपनी नोटबुक में लिख भी लो अच्छे से। अगर इतना याद होगा तो कोई भी नंबर दें, यू कैन राइट इजीली। कोई भी नंबर आपको देते हैं, आप उसके डिजिट काउंट कर लो, एकदम आईएलपी है। ये बहुत आईएलपी चीज है। ये याद रखोगे तो कोई भी नंबर की नंबर नेम आप इजीली लिख पाओगे। तो इसको 5 टाइम्स नोटबुक में अच्छे से लिखकर लर्न कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, क्योंकि अब आप 6 स्टैंडर्ड में हो तो अब आपको कोई छोटे बच्चों की तरह नहीं आएंगे। कभी मैं करोड़ के भी नंबर नहीं पूछूंगी, कभी 1000 के पूछ सकती हूँ, कभी लाख के पूछ सकती हूँ। तो तुम पर डिपेंड है कि तुमको ये याद है कि ये 9 डिजिट तक के नंबर को हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। एक बार शुरुआत होने के बाद में हमें पता चल जाता है कि आगे आगे क्या आएगा। पर करोड़ से शुरुआत करनी है, 10 करोड़ से शुरुआत करनी है, लैक से शुरुआत करनी है, वो आप कैसे याद रख सकते हो कि ये सारे नंबर्स शुरू होते हैं इतने डिजिट से, तो उसको कहाँ से हम शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर वे। ये बहुत आईएलपी चीज है, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक ताकि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो नंबर नहीं लिखने में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन सिस्टम नंबर्स। इंडियन नंबर सिस्टम, देखो मैं आपको अपनी ये मैथ्स की टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ा रही हूँ। ये मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट की, एनसीईआरटी की, जो लास्ट टाइम हम यूज कर रहे थे उसी में से मैं आपको ये टॉपिक्स करवा रही हूँ। तो दो तरह के नंबर्स की सिस्टम है, एक इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। आज मैं आपको इंडियन नंबर सिस्टम सिखाऊंगी कि ये सिस्टम किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से हम इजीली इसमें याद रख सकते हैं। ओके, तो सपोज मैंने ये एक नंबर लिखा, तो ये नंबर मैंने लिखा है। अब इसको मुझे इंडियन नेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नंबर नेम लिखना है, तो पहले मुझे कॉमास करने होंगे। कॉमा करने के बाद मैं उसको नंबर नेम में लिख सकती हूँ। तो इसके रूल है किस तरह से कॉमास करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट थ्री डिजिट के बाद कॉमा करना है, मतलब यहाँ पर कॉमा करना है। स्टेप वाइज याद रखो, स्टेप वन पुटिंग कॉमास आफ्टर थ्री डिजिट्स। फिर सेकंड स्टेप इज पुटिंग कॉमा आफ्टर टू डिजिट। अगर बड़ा नंबर है, सपोज चलो हम पहले वाला नंबर थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, तो क्या हुआ, ये बाद में भी दो नंबर के बाद कॉमास करने के, पहले कॉमा करने का एकदम याद रख लो। सबसे पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, बस। कॉमास इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस इंडियन नंबर सिस्टम। अब ये कितने डिजिट का नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैंने आपको सिखाया कि 8 डिजिट का नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, करोड़ से। ओके, तो इसको हम बोलेंगे 2 करोड़ 14 लाख 56,000 781। तो अब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे।
781। फिर से बता रही हूँ, इंडियन नंबर सिस्टम, इसमें हमें पहले कॉमा पुट करने हैं। कॉमा करने के बाद हम उसको नाम देंगे, जो मैंने अभी सिखाया कि इतने डिजिट का नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा करने के रूल्स है कि कोई भी नंबर आपको दिया है उसमें तीन नंबर के पहले कॉमा कर लो, सबसे पहले तीन, फिर दो दो दो, बस एकदम इजी वे है याद रखने का। तीन नंबर के बाद कॉमा, फिर टू नंबर के बाद कॉमा, फिर भी टू नंबर के बाद कॉमा, बस। अब हम इसको जैसे एज यूजुअल आगे नंबर नहीं लिखते वैसे हम इसको लिख देंगे। 2,14,56,781। फिर से 2,14,56,781। इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम हम कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल, चलो ये कोई भी नंबर मैंने अपने मन से लिख दिया। अब इसमें मैं अभी सारे नंबर्स लिख देती हूँ, ठीक है? अब पहले मैं आपको फिर से बता दी कॉमास का क्या रूल है। ये नंबर मैंने सिंपली दिया है, कॉमा करेगी ना, आपको इसमें कॉमा करने हैं और फिर इसका नाम लिखना। तो पहले मैंने स्टेप वन क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग कॉमास आफ्टर थ्री डिजिट्स, 1, 2, 3, ओके। फिर कितने डिजिट के बाद कॉमा करते जाने हैं, 2-2 डिजिट के बाद, ओके। एक बार रूल समझ लोगे तो ये नंबर सिस्टम बहुत इजी है। सेकंड नंबर, तीन डिजिट के बाद कॉमा, दो डिजिट, फिर से तीन डिजिट के बाद कॉमा, दो डिजिट, अंडरस्टैंड? अब इसका नंबर नेम क्या होगा? पहले हम काउंट करें कि ये कितने डिजिट में है ये नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट में है, मतलब क्या हुआ, करोड़, 4,32,91,681, ओके। कॉमास करने का फिर से बता दूं, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि कॉमा करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका क्या नाम देना है हमें। तीन डिजिट के बाद कॉमा, फिर दो दो डिजिट के बाद कॉमा करना है हमें, तो इसका नाम हम लिखेंगे 4,32,91,681। अब दूसरा नंबर ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट का नंबर है, तो हम
10 करोड़ याद रखेंगे, मतलब 81 करोड़। फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। इसका नंबर नेम हुआ 81 करोड़ 46 लाख 78,132। ओके, अब इसका मैं उदाहरण बता दूं आपको, क्योंकि बहुत एग्जांपल्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है, तो कहां से स्टार्ट होगा सोचो, तो थोड़ा आप दिमाग में सोचो, फिर मैं आंसर बोल रही हूँ। 8 डिजिट मतलब करोड़। ओके, तो इसका आंसर होगा 9 करोड़ 15 लाख 46,342। ओके, अभी आपने देखा कि कितने करोड़, 10 करोड़ तक के नंबर आज आपने सीखे हैं, ठीक है, और उसमें ही इंडियन नंबर सिस्टम आज हमने सीखी है। तो इसके पहले मैंने आपको बेस बताया कि कैसे करना है, हमें पहले हमें कोई भी नंबर दिया हो वो कितने डिजिट का है वो डिजिट देख लेने हैं हमें, 1 डिजिट का 2 डिजिट का 3 डिजिट का या अप टू 9 डिजिट का। उसके बाद हमें दिमाग में सोचना है, जो मैंने आपको 5 टाइम लिखने दिया ना अभी, के ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। आपको इतना बड़ा नंबर देकर कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे बाप रे ये तो करोड़ है, लाख है, बाप रे क्या है। तो इसीलिए मैंने आपको एकदम इजी वे बताया कि ये सारे डिजिट काउंट कर लो, कितने डिजिट हो रहे हैं, और उसका मैंने पूरा आपको लिखवाया भी कि एक नंबर हो तो क्या आएगा। अगर आपने नोटबुक में लिखा ना तो वो खोल कर देखो, मैं बोल रही हूँ आपका और रिवाइज हो जाएगा। एक नंबर हो तो वंस, दो नंबर हो तो मेरे साथ बोलो टेंस, थ्री हो तो हंड्रेड, फोर हो तो थाउजेंड, फाइव हो तो 10,000, सिक्स हो तो क्या आएगा लैख, सेवन नंबर 10 लाख, एट नंबर करोड़, और 9 नंबर 10 करोड़। तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए, कोई भी नंबर लिखूं ना मैं, आप आराम से उसका नंबर ने फटाफट मुझे बता सकते हो। ठीक है, अभी आपको नंबर ने पक्के 10 करोड़ तक के आ गए होंगे। ओके, अब हम उसकी प्लेस वैल्यू बाद में लिखेंगे, पर प्लेस वैल्यू भी अभी हम जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू, उसी तरह से हम उसकी प्लेस वैल्यू, जैसे मैंने पहले आपको ड्रॉ करके बताया था ना एरो करके, वो हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अभी मैं इधर कोई भी नंबर लिख रही हूँ, आप सोचो और फिर उसका आंसर दो, मतलब नंबर नेम। Write the number name। अभी मैं यहाँ पर जो दे रही हूँ ना वो आप लोगों को नोटबुक में लिख रहे हैं, मैं आपसे नहीं लिख रही, मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, ओके,
मैं इधर नंबर लिख रही हूँ, आपका होमवर्क है एक तरह से। ओके, होमवर्क करके इसको आप लिख देना नोटबुक में। अभी हमें इसका नंबर नेम मैं आपको बता रही हूँ और आपको बाद में होमवर्क करके लिखना है। ओके, तो ये नंबर है, इसका हमें नंबर नेम लिखना है। तो वो पहली कंडीशन मैंने बताई कि ये नंबर कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6। बोलो तो 6 डिजिट में कौन सा आएगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो कोमा करने का, फटाफट आंसर समझ में आ जाएगा। चलो हम फटाफट कोमा कर देते हैं। पहले इंडिया सिस्टम अकॉर्डिंग 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, तो कॉमा करने से हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो अभी अब आप इसका आंसर आराम से बोल सकते हो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 4,74,981, 92,67,548, 92,00,000, देखो मैं कोमा में मिस्टेक हो गई, तो कितना बोलने में हमारा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि तो मैंने 3 डिजिट के बाद कोमा कर दिया था। तो भूल क्या है, पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद। तो इसका 9,21,61,512, 8,48,49,321, फिर यहाँ 6,13,45,413, 94,32,417। ओके, तो ये अब आपको समझ में आ गया कि इस तरह से नंबर नेम लिखने होते हैं। पहले हम कॉमास पुट कर देंगे और फिर हमें याद रखेंगे कि कितने डिजिट है, तो वो लेख है, 10 लेख है, करोड़ है या 10 करोड़ है। इतना होने के बाद हमें आराम से पता चल जाएगा कि इसका नंबर नेम क्या है। ओके, तो ये सब जो मैंने आपको ओरली सॉल्व करवाए है वो आप होमवर्क में अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा मैंने जो आपको अभी ये टेक्स्ट बुक बताई है, अगर आपके पास ये टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, लास्ट टाइम की ही है ये, तो आप इसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो नंबर्स बदल बदल कर। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में हम इंटरनेशनल सिस्टम सीखेंगे, पर आज हम ये नेशनल नंबर सिस्टम एकदम अच्छे से दिमाग में उतार दें, ताकि दूसरे पीरियड में जब मैं इंटरनेशनल लूंगी ना तो आपका फिर मिक्सअप ना हो जाए। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि नंबर्स दिए हुए होते हैं तो उसके नंबर नेम कैसे लिखते हैं। अब इसका ऑल्टरनेट, अगर आपको नंबर नेम दिए हो और नंबर लिखने हो तो वो भी आपको पता ही, क्योंकि वो भी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं कि जैसे कि 1 लिखा है तो हम उसका ओ एन ई। ओके, बट जब हमें ओ एन ई दिया होता था तो हम 1 करते थे ना, ये ऑल्टरनेट है। अगर नंबर दिया है तो नंबर नेम लिखना है, और नंबर नेम दिया है तो नंबर लिखना है। ओके, थैंक यू।